हाय दोस्तों, मेरा नाम देवरत्न अग्रवाल है और हमेशा की तरह इस बार कुछ नया चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से स्टूडेंट और जो सब्सक्राइबर है पूछते हैं कि सर आप जो जेडएक्स में लिखकर काफ़ी नंबर देते हैं और उनका रीज़न क्या है कि आप उनसे कोई आप किसी तरीके का कमीशन लेते हैं। तो पहली बात आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उनसे पूछिए अगर मैं उनसे एक रुपये भी कमीशन लिया किसी भी प्रोडक्ट में, और क्योंकि मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूं और आगे भी करूंगा, और इसी सपोर्ट की वजह से वो मुझे स्पेशल थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं अपने, और वो डिस्काउंट वो अपनी पॉकेट से देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ एसे टेलीकॉम के ही स्टूडेंट और एसे टेलीकॉम के सब्सक्राइबर को। तो वो इसी सवालों को लेकर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जो टूल्स होते हैं महंगे महंगे टूल्स होते हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं तो उनकी क्या सिक्योरिटी होती है, कैसे पैकिंग होती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बहुत सारे जो कहीं बाहर से वो मंगाते हैं तो पैकिंग भी उनकी अलग टेढ़ी मेढ़ी होती है। मतलब कईयों के साथ ऐसा हुआ है, मेरे स्टूडेंट के साथ जो जिन्होंने कहीं बाहर परचेस किया, दिल्ली से किसी भी एवं के किसी भी अनजाने से वो ख़रीद लेते हैं, फेसबुक में किसी से अपडेट देखते हैं तो उसी से परचेस कर लेते हैं, फिर जब उनको चीज़ें मिलती हैं तो अंदर टूटी टाटी मिलती हैं और खुला हुआ रैपर मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो सब्सक्राइबर है वो जानना चाह रहे थे कि क्या एक्चुअल में किस तरह की पैकिंग आपको मिलेगी। तो मैंने कुछ अभी करेंट में माल बुलवाया था जेडएक्स मलिक से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर भी रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आप ये देख रहे हैं। सो ये क्या है, इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आपके सामने, इसको देखिए किस तरीके की पैकिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये भी आप देखिए कि, और इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ऑथराइज होते हैं, जो जेन्युइन लोग होते हैं, वो कितनी अच्छी पैकिंग करके आपके मटेरियल को भेजते हैं, और साथ में एक तरह की गारंटी वारंटी भी रहती है मटेरियल उसमें, कि एट अ टाइम ऐसा नहीं देखिए, हार्डवेयर में तो कोई भी गारंटी नहीं देता है, पर फिर भी ये आपको एक दो दिन की बिल्कुल रहेगी कि अगर आपके पास में मान लीजिए टूटा हुआ भी आ गया तो बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा, आप उसको भेजिए, वो दूसरा नया आपको बदल के दे देंगे। और ये केवल जो है वो सिर्फ जेडएक्स मलिक जो स्पेशल डिस्काउंट वो दे रहे हैं, वो अगर आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, अगर आपने हमारे चैनल को शेयर किया, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अपने ग्रुप में के शेयर किया है, तो फिर आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सिर्फ उसकी फ़ोटो उनको दिखानी है किसी भी परचेसिंग के टाइम पर। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या आया है, क्या चीज़ आई है, आप ही खुद देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ये बॉक्स अनबॉक्स कर रहा हूँ और इसमें देख रहा हूँ कि क्या इसमें भेजा गया है, और तो मैं बड़ा हड़बड़ हूँ मुझे अनबॉक्सिंग करने में, तो मैं जिस भी तरीके से उसको निकालना चाहूँ भाई जल्दी निकले ये। अच्छा, तो बहुत अच्छा है, एक मल्टीमीटर इसमें मैंने बुलवाया है, काफ़ी अच्छा है, और जनरली ये आईफोन्स पर रिपेयरिंग में काम करने के लिए काफ़ी बेस्ट मल्टीमीटर है। और ये मल्टीमीटर को ओपन करता हूँ, ये देखिए। सो ये जो मल्टीमीटर आपको दिख रहा है, मैं इसके बारे में एक बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा जिसमें दो मल्टीमीटर मैं रखूंगा, एक जो मल्टीमीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ सनसाइन का, और एक ये मल्टीमीटर है। और इस मल्टीमीटर को हम यहाँ से ओपन करते हैं, ये देखिए ये मल्टीमीटर कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, जिसके इसके की वायर आ रही हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ आईसियाँ हैं, और जो मैंने अलग से पावर आईसियाँ और कुछ आईसियाँ अलग से बुलवाई थी, तो मैं आईसी दिखा देता हूँ आपको। आईसी काफ़ी जेन्युइन मिलेगी, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। अगर आप आईसी देखिए, आईसी के आप अलग अलग वीडियो देखते होंगे जिसमें वो आपको क्वांटिटी बताते हैं, सस्ती बेचने के चक्कर में आपको रहते हैं। मैं बताता हूँ, सस्ती आईसियाँ लेने से अच्छा है 20 रुपये महंगी आईसी ले लो, पर जेन्युइन, क्योंकि वर्क करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि 80 रुपये की आईसी खरीद रहे हो, वहीं 120 रुपये के कोई आईसी बेच रहा है, आप सोचते हो कि 40 रुपये में मेरा कितना जा रहा है। आप कस्टमर से 500-1000 रुपये ले रहे हो, पर आप ये नहीं देख रहे हो कि वो 80 रुपये भी आपका जीरो हो जाएगा जब आप वो आईसी लगाओगे। तो ये जेन्युइन है, ये डायरेक्ट आपको जो माल है ये किसी दूसरी शॉप से लेकर नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट चाइना से एक्सपोर्ट करके लाते हैं। तो देखिए कुछ आईसियाँ मैंने यहाँ पर बुलवाई हैं, काफ़ी अच्छी कैटेगरी है इनकी। जितनी भी आईसियाँ हमने ली हैं सारी बहुत अच्छी काम करती है, जैसे कि यहाँ पर MT6357 आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, और कुछ आईसी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे PM8956 आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। चलो ठीक है, सो ये आईसियाँ हमने बुलवाई हैं, और ये मल्टीमीटर है काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे देखने को मिला है। सो मैं इसको किनारे रख देता हूँ यहाँ पर, ओके। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ में है, और देखिए कि इसके साथ क्या है, और इसके साथ एक डिजिटल मल्टीमीटर फ्लूक का एक
वाउचर है इसके साथ में, इस तरह का जिसमें चाइनीज़ में लिखा हुआ है और कि कैसे इसको चलाना है। तो भाई इसको तो अपन के कोई मतलब का नहीं, तो इसको रख लेते हैं ताकि क्लास में स्टूडेंट को दिखाया जा सके। फ्लुक का मल्टीमीटर काफ़ी अच्छा है और जो इसका इम्पीडेंस है काफ़ी बेस्ट है और प्योर है, 100% है। कितने का आया क्या आया ये मैं अलग से बिल्कुल इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं इस बॉक्स की, तो चलिए इस बड़े से बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ आई है। देख रहे हैं आप पैकिंग, ये आपको मिलेगा यहाँ पर थर्माकोल का एक बहुत अच्छा सपोर्ट। देखिए कितनी मोटी पैकिंग है, चलिए देखिए यहाँ पर। तो पैकिंग आप जैसे कि देख रहे होंगे थर्माकोल का, आपको ऊपर नीचे दोनों साइड में कवर दिया हुआ है, जल्दी लोग इसमें नहीं देते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये है कमाल की चीज़ इसको दिखाने के लिए। ये आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे होंगे ये है क्विक की SMD 861 DW और काफ़ी अच्छी है। इसको लीड फ्री SMD बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके का एक स्टैंड आता है जिसके मैं ये इस तरीके से ये जो बैठ जाता है, देखिए इस तरीके से, इसको लीड फ्री बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, तो बहुत टाइम से इसको मैं मंगवाना चाह रहा था और ये एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, OG है। इसमें कॉपी बहुत आता है, मैं आपको बता दूं इसमें आपको कॉपी बहुत मिलेगा। आप अगर ZX मलेशिया खरीदेंगे तो ये अच्छे दाम में मिलेगा, OG प्रोडक्ट मिलेगा, ओरिजिनल जिसको हम बोलते हैं। आप क्वालिटी अलग से देख रहे होंगे, देखिए अलग से एक बॉक्स दिया हुआ है इसमें, अलग से। अगर इस बॉक्स के अंदर मैं बात करूँ तो देखिए आपको इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर इसके नोजल्स मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये और काफ़ी बेस्ट मेरे हिसाब से, वर्किंग करने के लिए काफ़ी बेस्ट है। सो फिलहाल ये मैंने कुछ मंगवाया था सामान, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको बताइए आप कमेंट करके। अगर आपको अच्छा लगा ये अनबॉक्सिंग करके आपके सामने, पहला कुछ ऐसा मैंने एक्सपीरियंस अपने साथ भी लिया है कि एक ऐसी अनबॉक्सिंग आपके सामने की है कि जो मैंने बुलवाया। और यहाँ पर ये जो मैंने ये बुलवाता हूँ ये मैं अपने खुद के यूज़ के लिए बुलवाता हूँ, ये मेरे इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है। हालांकि मेरे इंस्टीट्यूट में ये मशीन ऑलरेडी लगी हुई है और यहाँ पर मैंने सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक इंक्वायरी थी कि सर कुछ दिखाएं किस तरीके से प्रोडक्ट आता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इस मामले में काफ़ी अच्छा नहीं रहा है दूसरों के साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कूरियर का जो भेजने का इनका तरीका है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फास्ट है और आपको कूरियर के अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, तो सपोर्ट करें और ये मत सोचें कि थोड़ा महंगा है ये पैसे बना रहे हैं यह सब। मैं सच बताऊं थोड़ी जेन्युइन चीज़ें थोड़ी महंगी ही होती हैं और एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब आप वाकई में सस्ता माल लेकर बैठोगे दुकान पे और लोगों के महंगे मोबाइल आप बनाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस लेते हो और एक अच्छे कारीगर के पास बैठोगे आप देखोगे कि उसने कुछ चीज़ें महंगी लेकर आए हैं ऑलरेडी, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार मुझसे भी ये गलती हो गई है। आप देखेंगे कि लोग 20-20 हज़ार रुपये की तो सिर्फ सोल्डिंग आयरन लेके बैठे हैं, जैसे JCB की जो अब मैं सोल्डिंग आयरन की बात कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बहुत जल्दी एक इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और JCB की सोल्डिंग में क्या खासियत है और क्यों इतनी महंगी है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और मैं इसके बारे में भी आपको जल्दी बताऊंगा जिसमें मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, देखिए ये इस मल्टीमीटर के बारे में क्यों है ये खास और क्यों मैंने बुलवाया है इसको।
सो जुड़े रहे चैनल से, अपडेट करते रहे इसी तरीके से, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि मार्केट में एक्चुअल क्या चल रहा है, और जितना भी हो सकता है नॉलेज मिल सके। और इस वीडियो में आप बहुत सारी वीडियो की, इस वीडियो की लिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियो भी मिल जाएंगे, और उसके साथ में वीडियो मिल जाएंगे मेरे क्लासेस के, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट के रिव्यू के वीडियो मिल जाएंगे, उसके साथ में कुछ रिपेयरिंग के वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ अपडेट आपको हफ्ते में 4 वीडियो का हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे से रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं है, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही सफलता पाओगे, जितनी कम मेहनत करोगे उतनी कम सफलता पाओगे। तो ज़्यादा सफलता पाने में, अगर ज़्यादा लोगों, अगर लोगों से आगे बढ़ने की चाह है, अगर बनना है बादशाह या किंग, अगर किंग बनना चाहते हो अपने मार्केट का, तो वो किंग वाली मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहें इसी तरीके से। तो आपने क्या क्या किया यहाँ पर? तो सर मैंने सबसे पहले EasyTech पूरा समझा, UZ और उसके बाद UFI समझा, और EasyTech में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है मैन्युअली, और UFI में ऑटोमेटिकली कैसे की जाती है, और इसमें IC बेस्टेड निकालना, ब्लैक बेस्टेड, नॉर्मल बेस्टेड, जंप, माइक्रो जंपर, और A to Z जो प्रोग्रामिंग के जैसे होता है वो हम लोग सबसे पहले आए तो यहाँ पर हम लोग IC रिवॉल्व ही करना सीखा, और उसके बाद टेस्टिंग वगैरह हम लोग को सर बताए, और इतना अच्छा से बताए कि हम लोग के दिमाग में बस गया कि क्या होता है पैरेलल और सीरीज के बारे में। सबसे पहले की बात कि पैरेलल और सीरीज के बारे में जो जानता है वो तो एक्सपर्ट है, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर आपको लगता है कि AMC में हम कर सकता हूँ, उसके लिए आप हो गए हैं, तो एशियन टेलीकॉम उसके लिए बहुत अच्छा है। और बस, और मैंने जो AMC में ये सब सीखा, उसमें मेरा डम फाइल बूट पार्टीशन क्या होता है, MCU को ब्लैक पेस्ट और वाइट पेस्ट मेरे कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं, ये मैंने सब सीखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मोबाइल बनाया है अपना? हाँ, मैंने एक पे सैमसंग का मोबाइल मेरा अपना खुद बनाया, जिसमें बूट मेरा डिल हो गया था, तो मैंने सर से किया, और सबसे पहले दिन बन गया। हाँ, सबसे पहले दिन मैंने आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ से किया, अब AMC भी यहाँ से किया। आपने जो 9 दिन में क्या क्या सीखा वहाँ पे, एक मोटा मोटा बताओ। ये प्रोग्रामिंग पूरी सीखी, मतलब UFI का काम या JTAG का काम हम कर सकते हैं। हाँ सर, और IC रिबोलिंग तो हमने पहले से पढ़े और हमने अपने आपको मजबूत किया, और प्लस हमने प्रो उसके साथ IC पेस्टेड IC निकालना, माइक्रो जंपिंग इनसे करना बहुत जरूरी है। जैसे आज यहाँ तुमने बताया कि 1-2 साल से तो मोबाइल रखे हुए, उसका क्या प्लस नहीं हो पा रहा था, वो हैंगिंग लोगों में था, मुझे 2 साल से रखे हुए थे, मैं सोचा कि वहीं जाके इसको सही करूंगा, और लेकिन ये मेरा पूरा हो गया सर। मतलब ये सौभाग्य कि इन्होंने फ्लैश किया। अच्छा, आपको मैं खुद सर उसमें ट्रेस किया और खुद में उसमें सॉफ्टवेयर चलाया। अच्छा, प्रोग्रामिंग किया, फिर उसे रिबॉलिंग किया, रिबॉलिंग करके किससे किया? UFI से, JTAG से, JTAG से किया। आपको क्या लगता है UFI आप कौन सा बॉक्स लेंगे, UFI की JTAG? सर मेरे लिए तो दोनों सही है, दोनों ही बेस्ट है आपके लिए। सर मैं 4 महीने से सर वीडियो देख रहा हूँ आपका, इंतजार कर रहा हूँ, 2 बजे रात को मैं सोता हूँ आपके वीडियो देखने के बाद। अच्छा जी, ये मैं 4 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ आने का 1-1 दिन का इंतजार कर रहा था, आप मुझे बहुत खुशी हुई है। कॉइल लगा होगा सैमसंग में, सीरीज में कॉइल लगा होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको मैं एक आईफोन दे दूँ और आईफोन में BSI ओपन है, तो उसका बना सकते हैं? बना सकते हैं मेन जो कंपोनेंट्स उसमें मिलने वाले हैं उसका नॉलेज है, हम दूसरे कंपोनेंट्स को छोड़ के सिर्फ उस लाइन पे वही कंपोनेंट्स जोड़ेंगे तो हमें जल्दी मिलेगा। आपको अगर सर्किट डायग्राम की बात करें, PB पढ़ना आएगा कि नहीं आएगा? आईफोन का PB सप्लाई, आईफोन का PB अभी सर ने हमको पिछले 2 दिन में ही सिखाया है, और मुझे सिखा दिया है, तो मतलब सब लोग तो कोई भी सीख सकता है यहाँ पर आके, क्योंकि मैं यहाँ से आने के पहले कभी आयरन भी नहीं पकड़ा अपने हाथ। अच्छा, आप बिल्कुल फ्रेशर है? कभी आयरन नहीं पकड़ा है सर। अच्छा, यहाँ पर मैं इतना सोच के आया था कि सिर्फ मैं डिस्प्ले लगाना सीख लूंगा तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए करके, लेकिन मेरे साथ इतने अच्छे सब लोग हैं, इतने अच्छे सीनियर्स हैं कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ 4 दिनों में। बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे CPU लगा के चालू किया? यहाँ पर लगाया है सर, 1 टाइम नहीं हुआ, 2nd टाइम हुआ, 3rd टाइम में सर ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, और 3rd टाइम में मैंने पूरे ग्राफिक्स वाले मोबाइल को 1 टाइम में CPU लगा। रिसीवर की लाइन है, और उधर आपको क्या क्या कॉम्पोनेंट मिल सकते हैं?
सर रिसीवर की लाइन में सर हमको दो गार्ड मिल सकते हैं, दो सिक्योरिटी गार्ड मिल सकते हैं, ठीक है, पानी पिलाने वाले हो सकते हैं, तीन पानी पिलाने वाले हो सकते हैं, तीसरा वाला पानी पिलाने वाला कैसा लगा होगा सर? वो दो लाइनों के बीच में पहले लगा हो सकता है, पहला लगा होगा, वेरी गुड। और फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद सर हम मैनेजर से मिलेंगे। मैनेजर से पर पहले एक और चीज लगी होगी वहाँ पर, चप्पल। चप्पल, हाँ सर, चप्पल। मैनेजर से पहले क्या लगा होगा? चप्पल लगा, चप्पल लगी होगी।